तो अगर आप मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस को और द ग्रेट ट्रेजेडी को पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान दरअसल जो है वो कुछ साम्राज्य ताकतों की साजिशों से तोड़ा गया। और एक और काम करें, एक नजरिया जरूरत का बानी एक जज था, उसका नाम था जस्टिस मुनीर, उसकी भी एक किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया। वो जस्टिस मुनीर 1962 में अयूब खान का वजीर कानून था। तो जस्टिस मुनीर जो है उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा है कि अयूब खान ने 1962 में उनको बुलाकर ये कहा कि ये बंगालियों से जान छुड़ाएं, 1962 में। तो अयूब खान ने उसको कहा कि इनसे बातचीत करो, या हमारे से अलहदा हो जाएं या हमारे से कन्फेडरेशन कर लें। तो जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने एक बंगाली मेंबर थे असेंबली के, रमीजुद्दीन साहब, उनसे मैंने बकायदा मुजाकरात किए कि यार तुम या कन्फेडरेशन बना लो या हमसे अलहदा हो जाओ। तो अब जस्टिस मुनीर ने अपनी उस किताब में लिखा है कि रमीजुद्दीन साहब ने मुझे पूछा कि मेजॉरिटी में कौन है, बंगाली मेजॉरिटी में है या तुम पंजाबी मेजॉरिटी में हो, क्योंकि वो वेस्ट पाकिस्तान को पंजाबी कहते थे। तो जस्टिस मुनीर ने कहा कि आप मेजॉरिटी में हैं। तो उसने कहा ओके, इफ वी आर मेजॉरिटी वी आर पाकिस्तान, तुमने पाकिस्तान में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम हमसे लड़ा हो जाओ। तो 1962 में पाकिस्तान के फौजी सदर अयूब खान ने अपने वजीर कानून के जरिए पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुजाकरात किए बंगालियों के साथ। बंगालियों ने कहा हमने पाकिस्तान नहीं तोड़ना, तुमने तोड़ना है तो तोड़ दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो किताब थी जो फ्रॉम जना टू ज़िया, उस पे ज़ियाउल हक ने पाबंदी लगा दी, लेकिन अब तो पाबंदी नहीं है। तो मैं बार बार उस किताब का जिक्र करता हूं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं बड़े बड़े, इवन पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं, उनको दो तीन को तो मैंने खुद किताब दी। मैंने कहा यार ये किताब लो पढ़ो, जाके असेंबली में तकरीर करो, पढ़ते ही नहीं, ये एक शिकवा है। अच्छा, अब उसके बाद फिर भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म होगी 77 में, तो जेल में उन्होंने जो किताब लिखी, दो किताबें लिखी, एक इफ आई एम असैसिनेटेड, जिससे आप सब वाकिफ हैं, मेरा ख्याल है कि आप सब वाकिफ होंगे, ठीक है। लेकिन एक और भी किताब है, वो भी जेल में लिखी, उससे आप में से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। वो किताब थी र्यूमर एंड रियलिटी, अफवाह और हकीकत। ये किताब सिर्फ एक दफा शाया हुई, सिर्फ एक दफा। और जब एक दफा शाया हुई तो पीपल्स पार्टी की क्यादत से कहा गया कि अगर आपने ये किताब दोबारा शाया की तो दोबारा कभी ना सोचना कि तुम हुकूमत में आओगे। और फिर वो किताब दोबारा शाया नहीं हुई, क्योंकि उस किताब में भुट्टो साहब ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे और कुछ ऐसी हकायक से पर्दा उठा दिया था कि जिससे आज भी अगर आप 2020 में वो किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि आज भी पाकिस्तान में जो बहुत से वाकयात हो रहे हैं उसके पीछे कौन होता है। मसलन मैं उस किताब के हवाले से सिर्फ एक चीज आपको बताता हूं। भुट्टो साहब वजीर आजम हैं और गुलाम मुस्तफा जतोई साहब चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, और कराची से सरदार अताउल्ला मेंगल का बेटा असदुल्ला मेंगल अगवा होता है और उसके बाद उसका कोई पता नहीं मिलता। तो एक इवनिंगर जो है शाम का अखबार, उसकी हेडलाइन है कि अताउल्ला मेंगल का बेटा कराची से अगवा। तो भुट्टो साहब को पता चलता है, वो पूछते हैं चीफ मिनिस्टर से कि भाई ये अताउल्ला मेंगल जो है उसका बेटा किसने अगवा किया। तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं जी कि ये मुझे नहीं पता, ये आप टिका खान को पूछें। टिका खान से पूछते हैं, टिका खान आर्मी चीफ है और अगले आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है, ज़ियाउल हक अगला आर्मी चीफ है और टिका खान साहब जो है अब वो सिर्फ चंद दिन के मेहमान है, लेकिन अभी वो आर्मी चीफ है। तो टिका खान साहब को पूछा जाता है, टिका खान कहते हैं जी वो दरअसल ज़ियाउल हक को जनरल रहीमुद्दीन जो है उन्होंने ये काम किया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि पता करके बताओ। तो पता करके बताया तो अगले दिन तीन जर्नैल प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा दरअसल ये जो असदुल्ला मेंगल है ये पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस था, आप प्रेस को ये बता दें ये अफगानिस्तान भाग गया है। उन्होंने कहा चले मैं ये कह तो दूंगा, अभी बताओ कहां है वो। अब भुट्टो साहब ने लिखा है कि जब मैंने पूछा कि है कहां पे, तो जर्नैलों ने कहा जी वो दरअसल हमारे एसएसजी के कमांडोस थे
तो फायरिंग के तबादले में वो मारा गया असदुल्ला मेंगर। उन्होंने कहा अच्छा मारा गया तो उसकी डेड बॉडी किधर है? कहा वो ठठा के करीब किसी मुकाम पे उसको दफन कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ है उसकी डेड बॉडी। उन्होंने कहा वो एक चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा है, उसको तुमने उठा के कराची से उसको कत्ल कर दिया और आप कह रहे हो उसकी डेड बॉडी भी आपके पास नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उन्होंने कहा बस आप कह दें वो अफगानिस्तान भाग गए। तो भुट्टो साहब किताब में लिखते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं खामोश हो गया। और आखिर में जाकर उन्होंने लिखा कि अगर उस वक्त मैं खामोश ना होता तो शायद आज मैं खुद जेल में ना होता। लिहाजा इसी तरह की बहुत सी बातें उस किताब में है। तो वो किताब जो है वो बैन है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जुर्रत दिखाई है, एक दफा वो किताब शाया कर दी थी और अब पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो किताब दोबारा शाया कर दे। इसी तरह जो इस वक्त दुनिया में जो हालात वाकया पेश आ रहे हैं, तो वो जो भुट्टो साहब ने जेल से खत लिखा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम, माई डियरेस्ट डॉटर, वो भी खत जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपके लीडर का विजन क्या था। और आज आपकी पार्टी में जो लीडर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो पता चल जाएगा कि दोनों के विजन में फर्क कितना है। तो विजन बढ़ा सकते हैं आप लोग अगर आप अपने कायद जुल्फिकार अली भुट्टो की किताबें और उनकी जो तकरीरें हैं उनको पढ़ लें, और फिर उसके साथ ही साथ उसके तसलसल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट और फिर उनकी शहादत के बाद जो किताब शाया हुई है रिकॉन्सिलिएशन, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन वो जो किताब है रिकॉन्सिलिएशन, उस किताब को पढ़ के मुझे तो ये एहसास हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो तो रिकॉन्सिलिएशन चाहती थी, वो तो चाहती थी कि पाकिस्तान में तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज पे आ जाए, और उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन के नाम पे डायलॉग भी शुरू किया, लेकिन उनके साथ डायलॉग के नाम पे धोखा किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। अब उस किताब में जब आप बहुत से चैप्टर जो है उनको गौर से पढ़ेंगे तो यासीन आजाद साहब आपको भी बहुत से अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जो इन्होंने बात किया है, हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, लेकिन जब आप अपने कायद जुल्फिकार अली भुट्टो की खूबियां गुनवाते हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि वो उस अंजाम से दो चार क्यों हुए। एक तो मैंने आपको खुद बता दिया, उन्होंने अपनी किताब में अपनी गलती का इतराफ किया कि अगर वो अताउल्लाह मेंगल के बेटे के अगवा और फिर उसकी उसके कत्ल पर वो खामोश ना रहते तो पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी कमजोर ना होती। एक दूसरी बात भी है, उसको मैं उनकी गलती कहूंगा, उस पर भी आप लोगों को आज के दौर में उससे सबक सीखना चाहिए। और वो क्या गलती थी कि उन्होंने जनरल जियाउल हक को 6 जर्नैल बाईपास करके आर्मी चीफ बनाया, उसका नाम 7वें नंबर पे था, आप सोचिए जरा। और ये पाकिस्तान की तारीख है कि जब भी किसी वजीर आजम ने सीनियर जर्नैल की बजाय नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 से बंदा उठाया और उसको आर्मी चीफ बनाया तो उसने उसके नतीजे में कोई आपके साथ भला नहीं किया, उसने या मार्शल लॉ लगाया या आपको बैक स्टैप किया या जमहूरियत की कमर में खंजर घोंपा। तो ये काम पहले अयूब खान ने किया, वो सीनियर जनरल नहीं था, नंबर 3 था, और फिर अपने आप को एक्सटेंशन देता रहा। फिर अयूब खान याह्या खान को लेके आया, वो भी नंबर 3 पे था, सीनियर जनरल नहीं था। तो अयूब खान को उस याह्या खान ने धोखा दिया। सिर्फ टिका खान था जो वो गुल हसन के बाद जब आया वो सीनियर तरीन जर्नैल था, और भुट्टो साहब ने टिका खान को मेरिट पर आर्मी चीफ लगाया और टिका खान ने उनके साथ वफा की। तो जो आप मेरिट पर जिस जर्नैल को आप आर्मी चीफ लगाते हैं वो आपके साथ और मुल्क के साथ और आइन के साथ वफा करता है। और फिर जियाउल्लाह को आपने नंबर 7 से उठा के आपने उसको आर्मी चीफ बनाया, उसने क्या किया ये सारी दुनिया जानती है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ को नंबर 3 से उठा के आर्मी चीफ लगाया, तो उसने क्या किया वो आप जानते हैं। लिहाजा ये आज जो बहस हो रही है कि जनाब एक्सटेंशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, आप असेंबली में अगर आपने बहस करनी है तो देख लेंगे कल कौन क्या बहस करता है। तो बहस ये होनी चाहिए कि आप हिस्ट्री निकाल के देखें कि इसकी जरूरत क्या है आपको, आप एक्सटेंशन की जरूरत क्या है आपको। और अगर आप
ये बड़ी डिबेट कर लें जी, आप स्टैंडिंग कमेटी में चला गया जी, आप पार्लियामेंट में 3-4 दिन डिबेट कर लें, अल्टीमेटली तो आपने वही करना है ना जिसका हुक्म दिया गया, और वो ये हुक्म ये दिया गया कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, और वो तो देनी देनी है, ठीक है, हुक्म तो यही है। अब चले, हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो इस वक्त जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें वो बड़ी जरूरी है जनाब उनको एक्सटेंशन देनी, तो आपने दे दी, लेकिन अब तो आपने उसको कानून बना दिया, तो जब 3 साल पूरे होंगे तो हो सकता है उसके बाद कोई आदमी कहे भाई इसको 3 साल की और एक्सटेंशन दे दो, चले उसकी जगह पे आप किसी और को ले आते हैं, जब उसके 3 साल पूरे होंगे तो फिर वो लॉबिंग करेगा कि मुझे 3 साल और दो। तो अब आप एक मुस्तकिल रास्ता खोल रहे हैं कि जब भी किसी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के 3 साल पूरे होंगे तो क्योंकि कानून में मौजूद है वजीर आजम साहब के पास इख्तियार है तो लॉबिंग करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, और जो उसके दोस्त होंगे वो भी लॉबिंग करेंगे। तो आप एक मुस्तकिल रास्ता खोल रहे हैं, जो 1973 का आइन है उसका जो आर्टिकल 243 है उसमें रीअपॉइंटमेंट या उसमें एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं, इनको फैसला करना है, करना तो आपने वही है जो आपको कहा गया है, लेकिन हमारी जो मुद्दबाना गुजारिश और आज जाना राय है वो ये है कि आप ऐसा काम ना करें कि आने वाले वक्त में हर 3 साल के बाद साजिशों का दरवाजा खुल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो तो उस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपको इदारों को मजबूत बनाना है, ये ऐसे ऐसे काम ना करें कि जिससे दुनिया को एक तासर मिले कि पाकिस्तान में इदारे मजबूत नहीं है। कोई एक शख्स मजबूत होता है और एक शख्स जो है जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो इदारा जो है वो बेहतर हो जाता है कि हूं मैं की करा, हूं मैं की करा। वही मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इदारे बहुत मजबूत हैं, पाकिस्तान की फौज में बड़े काबिल जर्नैल हैं, अगर एक जर्नैल जाएगा तो 10 जर्नैल उसकी जगह पे आर्मी चीफ बन सकते हैं। तो अगर एक 2008 की जो असेंबली थी उसमें एक वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, डिसक्वालीफाई किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जगह परवेज अशरफ आ गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि गिलानी साहब गए तो असेंबली नहीं चल सकती, हुकूमत नहीं चल सकती, परवेज अशरफ आ गया ना असेंबली चली, फिर 2013 की असेंबली आई, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया, उसकी जगह शायद हकान अब्बासी आ गया, इदारा चल रहा है। तो बाकी इदारे भी जो है अगर एक बंदे का टेन्योर खत्म हो गया तो दूसरा बंदा आए ना, इदारे को चलना चाहिए। कल समझ आ गई, कल समझ आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया।